स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं लीनियर अलजेब्रा की क्लास नंबर 2। देखिए, जेड पी का मतलब क्या होता है? एडिशन मोडुलो, जिसमें 0, 1, 2 से लेकर p-1 नंबर लिख दिए, तो इसमें कितने एलिमेंट है? टोटल p एलिमेंट। अब वेक्टर सबस्पेस क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। मान लीजिए vf एक वैक्टर स्पेस है और wf क्या है? एक सबसेट है vf का। देन w को हम सबस्पेस vf का कब बोलेंगे? इसके लिए हमारे पास दो टेस्ट है। इफ़ डब्ल्यू खुद क्लोज हो जाए अंदर, मतलब वो सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करे जो कि वेक्टर स्पेस करता है। वेक्टर स्पेस कब होता है? जब वो एक्सटर्नल और इंटरनल बाइंडिंग ऑपरेशन रखता है। तो ये भी एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंडर इंटरनल और एक्सटर्नल बाइंडिंग ऑपरेशन रखे, तब हम उसको क्या बोलेंगे? वेक्टर स्पेस। अब हम करेंगे वन स्टेप टेस्ट कि कोई भी स्पेस वेक्टर स्पेस सब स्पेस है या नहीं। देखिए, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर नॉन एम्प्टी सबसेट W को सबस्पेस होने के लिए क्या कंडीशन है? लीनियर कम्बिनेशन। देखो, वन स्टेप टेस्ट में आप लीनियर कम्बिनेशन दिखाओगे। अगर AU प्लस में BV, देखो U और V तो दो एलिमेंट किसके हैं? सबस्पेस के। और A और B किसके एलिमेंट हैं? यहाँ पर फील्ड से आए हैं ये, ठीक है, स्केलर है ये, तो उसको हम सबस्पेस बोलते हैं। अगर उसका लीनियर कम्बिनेशन बिलोंग कर जाए W में, तो हम उसको क्या बोलेंगे? सबस्पेस। नेक्स्ट, टू स्टेप टेस्ट, जिसको 2.5 स्टेप टेस्ट भी बोल सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला स्टेप है, हमें मोस्टली यही ही लगाना है हर क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहली बात, एक तो जीरो बिलोंग करना चाहिए सबस्पेस में, दूसरा यू प्लस वी बिलोंग करना चाहिए, मतलब दो वेक्टर का सम बिलोंग करना चाहिए, और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन बिलोंग करनी चाहिए डब्ल्यू के अंदर, तब हम उसको क्या बोलते हैं? सबस्पेस। ओके, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा यही क्वेश्चन में लगाएंगे। जैसे हमारे क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ Rn ओवर R फॉर्म ए, यहाँ पे R मतलब रियल नंबर, एक सबस्पेस फॉर्म करता है, हैंस फाइंड बेसिस और डायमेंशन हमें उसकी निकालनी है। देखिए भाई, W1 में हमें दे रखा है A1 से लेकर An टपल्स से रखे हैं, जहाँ पे समीशन i इक्वल टू 1 से लेकर n ai के किसके इक्वल है? यहाँ पे 0 के। और W2 दे रखा है हमें X1 से लेकर XN सच डैट ai और xi का जोड़ किसके बराबर है? 0 के। 4 फिक्स, इसमें ai क्या कर रखा है? फिक्स। और अगला, ये सारे एक्स आई किस में बिलोंग कर रहे हैं? रेशनल नंबर में। नेक्स्ट है हमारा एक्स आई ग्रेटर दैन इक्वल टू है 0 इफ़ आई इक्वल टू 1, 2, 2 से लेकर अप टू एन है। और अगला, आई इक्वल टू 1 से लेकर एन सभी का समीशन किसके बराबर है? 1 के। और एक्स वन और एक्स टू कन्वर्जेंट किसके हैं? यहाँ पर एक्स एन के। नेक्स्ट हमारा x1 x2 कन्वर्जेंट किसके? एक्स एन के, सच डेट आई इक्वल टू 1 से लेकर एन एक्स ऑफ 2i, मतलब दुगना आई का जोड़ किसके बराबर है? 0 के। ऐसे ही नेक्स्ट, x1 x2 से लेकर सोन सारे xn के कन्वर्जेंट है, और x ऑफ 2i का सम कितना है? यहाँ पे सम ना होके x ऑफ 2i 0 है, जब i इक्वल टू 1 और 2 है, मतलब x ऑफ 2 प्लस में x ऑफ 4 बराबर क्या हो गया? 0। नेक्स्ट हमारा x1 x2 कन्वर्जेंट किसके? x7 के। और x ऑफ 2i किसके बराबर है? 0 के। i इक्वल टू 1, 2 से लेकर n-3/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर तक। और इससे नेक्स्ट में x1 x2 कन्वर्जेंट किसके? x2 को। x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर xn का स्क्वायर का जोड़ किसके बराबर है? 0 के। और यहाँ पर x1 x2 कन्वर्जेंट है xn के, और x1 बराबर है k ऑफ x2 इज फिक्स। इसलिए हम एक दो ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट W1 स्पेस की बात की जा रही है, तो इसको सबस्पेस प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैं देखूंगी क्या इसमें 0 बिलोंग करता है। सबसे पहले मैं इसको खोलूंगी, i इक्वल टू 1 से लेकर n xi, तो इसका मतलब x1 x2 x3, इसका मतलब क्या हुआ भाई? x1 प्लस x2 से लेकर अप टू xn का सम किसके बराबर है? 0 के। मान लीजिए इसमें 0 सबस्पेस बिलोंग कर रहा है, तो सारे 0 0 हो गए, 0 बराबर है 0 के, इक्वल है, तो इसका मतलब 0 इसमें बिलोंग कर गया। अगला, हमें दो वेक्टर स्पेस का सम देखना है। मान लीजिए u बिलोंग कर रहा है और v बिलोंग कर रहा है, तो इसमें x1 x2 xn ले लिए, ऐसे ही y1 y2 yn ले लिए, सम ले लिया। अब हमें इसको सम करेंगे, तो x1 में x1 y1 जुड़ेगा, x2 में y2 जुड़ेगा, xn में yn जुड़ेगा। हमें पता है इसको अलग अलग लिख सकते हैं हम, तो इसका मतलब ये भी इसमें बिलोंग करता है। ऐसे ही हम सम हो गया, इसी तरीके से स्केलर मल्टीप्लिकेशन ले, तो a ऑफ xi भी बिलोंग कर जाता है ना, xi इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। और हमें पता है i इक्वल टू 1 से लेकर n xi हमारा क्या है? 0। इसका मतलब ये W1 क्या है? सबस्पेस। ऐसे ही हम बाकी को भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस की डायमेंशन का फॉर्मूला क्या है?
देखिए दूसरा फॉर्मूला एक तो ये होता है नंबर ऑफ बेसिस जितनी होती है वही उसकी डायमेंशन होती है। अगर मान लो नंबर ऑफ बेसिस ना दे रखी हो तो आप क्या करोगे, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स दे रखे हैं उसमें से नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस को हम अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो क्या जाती है डायमेंशन। ठीक है, जैसे बेसिस हमारा मान लो एक्स वन से लेकर एक्स एन है, कैसे समीशन आई इक्वल टू वन से लेकर है एक्स आई का सम क्या है जीरो, उसमें हमें बेसिस और निकालनी थी उस क्वेश्चन में, तो इसका मतलब एक्स वन से लेकर एक्स एन कितना है जीरो। अब एक्स वन को मैंने लिख दिया इधर ले जाके माइनस में हो गया, अब यहाँ पे कितनी रेस्ट्रिक्शन है ओनली वन और वेरिएबल्स कितने हैं एन, तो इसकी बेसिस हो जाएगी एन माइनस वन, कितनी हो जाएगी बेसिस एन माइनस वन। ओके, और डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन जितनी बेसिस होती है वही डायमेंशन होती है, और डब्ल्यू वन की डायमेंशन क्या हो जाएगी एन माइनस वन। अब देखो इसकी बेसिस लिखनी है, इसी बेसिस को लिखेंगे कैसे, जैसे हमें एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू क्या है माइनस एक्स टू एंड दिस वन, तो माइनस का वन और एक्स टू को यहाँ पे अगर एक्स वन की वैल्यू माइनस वन पुट करूँगी तो एक्स टू पॉजिटिव आ जाएगा, बाकी सारे जीरो जीरो। ऐसे ही थर्ड नंबर पे देखिए एक्स वन तो माइनस वन है ही, सब में एक्स वन क्या है माइनस वन। अब ये क्या वैल्यू आएगी यहाँ से, देखिए एक्स वन की वैल्यू माइनस वन, ये एक्स वन की वैल्यू है, ठीक है, और एक्स टू क्या है यहाँ पे वन, यहाँ पे एक्स थ्री क्या है वन, ठीक है, इसी तरीके से एक्स फोर वन हो गया। इस तरीके से हम उसकी बेसिस को लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा वेरीफाई करना है डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन। देखो वेरीफाई कैसे हो सकता है, नंबर ऑफ वेरिएबल में नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शन को घटा लेंगे, वो कितनी आई थी हमारी वन, और नंबर ऑफ वेरिएबल क्या थे एन, तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया एन माइनस वन। अगला देखो डब्ल्यू फोर के ऊपर बात करें जो हमें पीछे दिया हुआ था, एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू है जीरो। देखो जीरो बराबर है जीरो, तो जीरो तो इसमें बिलोंग कर ही जाएगा, है ना, कि जीरो बराबर है जीरो के, तो जीरो बिलोंग कर जाएगा। अब हमें दो का जोड़ करना है, एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो वाई आई भी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, तो ये तो हमारा हो ही जाएगा। अब बात करते हैं स्केलर की, तो स्केलर के केस में हम चेक करेंगे, मान लीजिए ए क्या है माइनस वन, तो ए को माइनस वन पुट किया, यू को पुट कर दिया एक्स वन से लेकर एक्स एन, तो सारे क्या हो गए नेगेटिव, नेगेटिव हो गए, तो लेकिन सारे एक्स आई हमारे क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो नेगेटिव कभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता नहीं है, वो क्या होता है लेस देन, इससे ये सब फेस नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट डब्ल्यू सेवन की बात करते हैं जो हमारा पीछे क्वेश्चन था, एक्स वन एक्स टू से लेकर एक्स एन, एक्स ऑफ टू आई यहाँ पे मतलब इवन का जो है वो किसके बराबर है जीरो, आई बराबर है वन टू से लेकर एन बाई टू ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो देखिए अगर एन ओड है, एन ओड है तो यहाँ पे सेवन हो जाएगा, सेवन बाई टू का मतलब क्या होता है 3.5, 3.5 किसके नज़दीक है भाई थ्री के, तो आई इक्वल टू हमें क्या लेना है वन टू और थ्री तक लेके देखेंगे हम पहले, आई इक्वल टू मान लो वन है, आई अगर वन है तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ गई एक्स टू बराबर क्या आ गया जीरो, अगर आई की वैल्यू दो है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टू टू जा फोर, इसी तरीके से तीन है तो एस सिक्स क्या आ जाएगा जीरो। तो हमने देखा जितने भी इवन वाले हैं वो सारे क्या है जीरो। अब इसी तरीके से अब एन क्या है यहाँ पे ओड है, एन अगर ओड है तो डब्ल्यू सेवन में क्या एलिमेंट आएंगे एक्स वन एक्स टू से लेकर एक्स सेवन तक आ गए मान लो डब्ल्यू सेवन में ये एलिमेंट आ गए, अच्छा, और एक्स टू जिसमें से एक्स टू एक्स फोर एस सिक्स सारे क्या हैं जीरो के इक्वल, तो अब हम इनमें वैल्यू पुट करेंगे एक्स वन एक्स टू की वैल्यू क्या है जीरो, एक्स थ्री एक्स फोर की वैल्यू क्या है जीरो, एक्स फाइव एस सिक्स की वैल्यू जीरो, फिर एक्स सेवन, ये हमने लिख दिया। अब इसकी बेसिस लिखो, देखो एक्स वन एक्स थ्री एक्स फाइव एक्स सेवन, बेसिस को क्या लिखेंगे एक्स वन क्या है वन और बाकी सारे वन के लिए, देखो इसमें एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री सॉरी बेसिस में हम क्या लिखेंगे एक्स वन क्या है वन, है ना, और बाकी सभी के कोफिशेंट एक्स वन वन है, बाकी सभी के कोफिशेंट क्या है जीरो। ऐसे ही अगला हमारे पास एक्स थ्री वाले को लिखा है तो वो वन है, अगला एक्स फाइव वाला वन है और अगला एस सेवन वाला वन है, तो इस तरीके से हम इनको लिख देंगे। देखिए कितने हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, इस तरीके से हमने इसकी बेसिस लिख दिया। अब डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू सेवन, डब्ल्यू सेवन की डायमेंशन क्या आएगी जितनी इसमें बेसिस होंगे, अब इसमें बेसिस कितनी आई है चार, तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी फोर, और डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू सेवन बराबर सेवन बाई टू प्लस वन, 3.5 प्लस वन बराबर कितनी आएगी फोर, अगर एन ओड है तब, ये बात कब है जब एन ओड है। इसी तरीके से हम उसको चेक करेंगे, देखिए जब एन क्या है इवन, एन इवन है तो एन की वैल्यू क्या है आठ ले ली, मैंने आठ ले ली तो आई क्या है यहाँ पे, आई को हमें लेना है आठ तक, आठ बटे दो मतलब चार, तो आई को हमें लेना है एक दो तीन चार, तो आई वन है तो एक्स टू जीरो हो गया, एक्स फोर जीरो हो गया, सिक्स और एक्स एट क्या हो गया जीरो। डब्ल्यू सेवन में एक्स वन से लेकर एक्स एट है तो जिसमें से जो जो जीरो है उसको हमने पुट कर दिया। अब इसकी डायमेंशन लिखेंगे एक्स वन वन है बाकी सारे जीरो, यहाँ पे एक्स थ्री वाला वन है, इधर एक्स फाइव वाला वन है, एक्स सेवन वाला वन है, तो इसमें डायमेंशन कितनी आई चार। ठीक है, तो हमने देखा
अब डायमेंशन ऑफ W7 कितनी आ गई, 4। और अगर हम डायरेक्ट निकालते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, नंबर ऑफ अननोन में से नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, माइनस। नंबर ऑफ अननोन कितने थे इसमें, 8, और रेस्ट्रिक्शन कितनी बनी थी हमारी, 4, तो इसलिए 4 आ गया हमारा। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो डायमेंशन ऑफ W7 को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, एन अगर ओड है तो एन बाई 2 प्लस 1, और एन अगर इवन है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एन बाई 2। ओके, नेक्स्ट हमारा W9 भी रखा था, X1 X2 से लेकर XN, जिसमें XI का स्क्वायर किसके बराबर था, 0 के, जिसमें से मैंने लिख दिया X1 का स्क्वायर, X2 का स्क्वायर, XN का स्क्वायर बराबर क्या है, 0। अब W9 सबस्पेस है या नहीं, इसके लिए पहले 0 को देखेंगे। देखो 0 बिलोंग कर रहा है, यस, U प्लस V भी बिलोंग कर जाएगा। देखिए देखते हैं बिलोंग करता है या नहीं। पहले तो देखो, U को मैंने ले लिया X1 का स्क्वायर, X2 का स्क्वायर से लेकर XN का स्क्वायर, V को ले लिया Y1 का स्क्वायर, Y2 का स्क्वायर से लेकर YN का स्क्वायर। अब हमें U प्लस V करना है, कर दिया। तो U प्लस V अगर मुझे करना है तो मैं क्या लिखूँगी, पहले में पहला जोड़ूंगी X1 स्क्वायर Y1 का स्क्वायर, ऐसे ही दूसरे में दूसरा जोड़ दूँगी। जोड़ दिया, अगर मान लो X1 प्लस Y1 का स्क्वायर मुझे डायरेक्ट करना हो, हाँ एक मिनट, U प्लस V में X1 Y1 X2 Y2 ऐसे एलिमेंट होंगे, हाँ, तो इनका स्क्वायर करना है तो A प्लस B का स्क्वायर खुलेगा, ऐसे ये भी A प्लस B का स्क्वायर, तो ऐसे देखते हैं। तो हमारे पास X1 से लेकर XN का स्क्वायर तो 0 है, ऐसे ही Y1 से लेकर YN का स्क्वायर 0 है, तो वो सारे 0 हो गए। लेकिन हमारे पास ट्रिपल बच गए, 2 ऑफ X1 Y1 2 ऑफ X2 Y2 बराबर 0, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि 0, इसका मतलब W9 सबस्पेस नहीं है जब XI का स्क्वायर 0 के इक्वल है तब। नेक्स्ट है अपना W12, देखिए X1 X2 X3 का सम क्या है, 0, और ट्वाइस ऑफ X1 X2 प्लस X3 क्या है, 0, इसको हमें चेक करना है। देखिए अब हम इसको चेक करने के लिए ट्राई करते हैं। देखिए देखिए सबसे पहले 0 प्लस 0 प्लस 0 बिलोंग बराबर है 0 के, तो 0 तो यहाँ पे W12 में बिलोंग कर रहा है। अब मान लीजिए U प्लस V करना है, तो X1 यहाँ पे क्या है, X1 प्लस X2 प्लस X3 का जोड़ किसके बराबर है, 0 के, और ट्वाइस ऑफ X1 X2 प्लस X3 किसके बराबर है, 0 के। तो अब हमें चेक करना है कि क्या ये VFR3 R के बराबर है या नहीं। तो इसको आप देखिए, वेक्टर स्पेस R के क्यूब R के बराबर है यानी, तो सबसे पहले ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पूरा स्पैन होना चाहिए। तो मैंने इसको करा मान लो 1 1 1, और यहाँ पे 2 1 1, ठीक है। तो हमने देखा नंबर ऑफ अननोन क्या है इसमें, नंबर ऑफ अननोन तो इसमें 3 है ना, और नंबर ऑफ कॉलम कितने आ गए यहाँ पे, नंबर ऑफ कॉलम्स आ गए यहाँ पे 2, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। कैसा हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट। तो यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं है, है ना, 3 के और यहाँ पे कॉलम आए 2, तो इसको हम चेक करेंगे। नेक्स्ट देखिए, U बराबर है R100 R, W13 क्या बराबर है, X1 से लेकर X50 कितने, 0, मतलब इसमें 100 एलिमेंट है, जिसमें से X51 X52 से लेकर X60 सारे क्या हैं, इक्वल, और X91 और X92 है आपस में बराबर, X95 प्लस X96 बराबर है 0, X98 और X99 भी क्या है, इक्वल। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास X1 से लेकर X50 0 के बराबर है, तो X1 की वैल्यू निकाली, ये इधर जाके क्या बन गया, माइनस। तो हमें चेक करना है लीनियरली, एक तरफ हम लिखेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट, एक तरफ लिखेंगे लीनियरली डिपेंडेंट। अब देखिए मेरे को एक बात बताइए, इस पहले 50 में से एक रेस्ट्रिक्शन है तो बाकी सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो 49 तो इंडिपेंडेंट है, तो जितनी रेस्ट्रिक्शन होती है उतने लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, तो लीनियरली डिपेंडेंट कितना है, ओनली 1, ठीक है। तो जितनी नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस इक्वल होता है नंबर ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट, तो एक रेस्ट्रिक्शन है तो एक लीनियरली डिपेंडेंट है। अगला हमें देखो, हमारा हो गया ये 1 से लेकर 50 तक का, अब 51 से 60 के अंदर सारे के सारे इक्वल हैं, तो सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड। अगर एक की वैल्यू पता चल जाए तो बाकी सब की वैल्यू पता चल जाएगी, तो मतलब एक इंडिपेंडेंट है, बाकी 9 क्या है, डिपेंडेंट 10 में से। अगला है 61 से लेकर 90 तक के कुछ भी नहीं रखे, सारे के सारे क्या है, 0, सारे 0 होते तो क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो 61 से 90 तक मतलब 30 वाले सारे क्या हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि सारे क्या है, 0। अब हम बात करेंगे 91 और 92 दोनों बराबर है, तो एक की वैल्यू पता लग जाए तो दूसरा पता लग जाएगा, तो एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, ठीक है। ऐसे ही 93 से 94 की वैल्यू नहीं दे रखी, तो इसका मतलब वो 0 है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। अब 95 से 96 देखो, एक इधर जाके माइनस, रेस्ट्रिक्शन एक आ गई, तो एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। अगला 97 वाला नहीं है, तो वो भी इंडिपेंडेंट में आएगा और डिपेंडेंट में 0 लिखा जाएगा। 98 99 में एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, और 100 वाला नहीं है, तो एक इंडिपेंडेंट और एक
इस तरीके से हो गया। तो लीनियरली डिपेंडेंट को काउंट कीजिए, 9 एक 10 और 11 12 13, और लीनियरली इंडिपेंडेंट में टोटल 100 है, 100 में से 13 घटे 87। तो जितने भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं वही उसकी डायमेंशन होती है, तो यहाँ पे डायमेंशन कितनी आ गई 87। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखिए, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स ऑन सबस्पेस। तो वन स्टेप टेस्ट मैंने आपको बताया था, लीनियर कम्बिनेशन अगर डब्ल्यू में बिलोंग कर जाए तो वो क्या होता है सबस्पेस, और टू स्टेप बताया था जीरो बिलोंग करना चाहिए, दोनों का सम बिलोंग करना चाहिए और स्केलर मल्टीपल बिलोंग करना चाहिए। आगे इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सबस्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज अगेन सबस्पेस होती है, एनी फैमिली मतलब कितने भी मेंबर्स का हम इंटरसेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेस डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू ऑफ वेक्टर स्पेस भी क्या होता है एक सबस्पेस होता है, दो का इंटरसेक्शन सबस्पेस होता है, लेकिन जब यूनियन करते हैं तो वो हो भी सकता है और नहीं भी, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट यूनियन ऑफ टू सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस, सबस्पेस कब होगा अगर एक दूसरे के अंदर क्या होगा कंटेन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर W1 यूनियन W2 सबस्पेस है तो W1 कंटेन होना चाहिए W2 में या W2 कंटेन होना चाहिए W1 के अंदर। नेक्स्ट हमारा लेट V एक वेक्टर स्पेस है ऑफ रियल वैल्यू कंटिन्यूस फंक्शन R का, देखो कंटिन्यूस फंक्शन है R, देन W बी द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस वन होगा या नहीं तो हमें बताना है W सबस्पेस है या नहीं। मान लीजिए इसके दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं Y1 और Y2, तो यहाँ पे Y1 पुट करो और इधर Y2 पुट कर दिया। अब हमारा हम जानते हैं इसको लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं, तो इसको लीनियर कम्बिनेशन में लिख दो कि A ऑफ Y1 प्लस में B ऑफ Y2 बिलोंग्स टू W, लिख दिया हमने। अब 5 डी एक्स डी एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, बाकी लिख दिया ए वाई वन प्लस बी वाई टू सब में लिख दिया, ऐसे ही सेवन ऑफ एन टू। अब हमने इसमें ए के कोफिशियंट को क्या ले लिया कॉमन, ए का कोफिशियंट क्या है 5 डी एक्स स्क्वायर डी ऑफ वाई वन, और यहाँ से ए का कोफिशियंट क्या है माइनस 7 डी बाई डी एक्स ऑफ वाई वन, इधर से ए का कोफिशियंट क्या है 2 ऑफ वाई वन, ऐसे ही बी का कोफिशियंट लिख दिया। तो हमने देखा ये भी जीरो है और ये भी क्या है जीरो, तो इसका मतलब ए जीरो प्लस बी जीरो, तो इसका मतलब जीरो तो सबस्पेस में बिलोंग करता है, यस ये लीनियर कम्बिनेशन में लिखा गया है तो ये इसका सबस्पेस है, ओके। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, वी इक्वल टू पी एन आर सेट ऑफ ऑल पॉलीनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है ज़्यादा ज़्यादा एन है, चेक करना है कि ये सबस्पेस है या नहीं और इसकी बेसिस और डायमेंशन बतानी है। देखिए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पॉलीनोमियल हमेशा सबस्पेस होता है, ठीक है। तो इसमें एक पॉलीनोमियल ले लिया मैंने और आगे हमें कुछ रिजल्ट दे रखे हैं। देखो W1 हमें दे रखा है पी एक्स बिलोंग्स टू वैक्टर स्पेस, पोलोनोमल किस में बिलोंग कर रहा है वैक्टर स्पेस में, और अल्फा पुट करने पर उसकी वैल्यू जीरो आ रही है, मतलब अल्फा क्या है इसका रूट। और अगला W2 दे रखा है पी अल्फा और पी बीटा क्या है बराबर, अल्फा बीटा दोनों रियल में बिलोंग करते हैं। और अगला दे रखा है समीशन आई इक्वल टू वन से लेकर एन ए आई क्या है जीरो, और ए आई क्या है एक्स आई के कोफिशियंट। नेक्स्ट हमारा हमारे देखा पी जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, नेक्स्ट एन रूट है पी एन का और पी एन बराबर क्या है जीरो। नेक्स्ट में दे रखा है वन टू से लेकर एन माइनस वन रूट है पी एन के, इस तरीके से हमें काफ़ी ये दे रखे हैं तो उसमें से हमें चेक करना है। देखिए भाई मान ली देखिए आगे भी हमें काफ़ी गिवन है तो हम वन बाई वन चेक करते हैं। देखिए डब्ल्यू वन, डब्ल्यू वन में पी एन आर मतलब सेट ऑफ फोर पॉलीनोमियल जिसकी डिग्री क्या है ज़्यादा ज़्यादा एन होगी, ठीक है। तो मैंने एन डिग्री का एक पॉलीनोमियल लिख दिया ए जीरो ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर से लेकर ए एन एक्स की पावर एन लिख दिया, जिसमें हमें पता ही ये सारे कोफिशियंट क्या है रियल आर पे है ना, तो रियल है। अब हमें बेसिस सेट हमें पता है इसके क्या बनते हैं वन एक्स एक्स स्क्वायर से लेकर एक्स की एन, जितनी बेसिस होती हैं उतनी डायमेंशन होती है यहाँ पे एन और यहाँ पे वन, और वैसे भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ पॉलीनोमियल की बेसिस होती है एन प्लस वन, हो गई। तो डायमेंशन क्या होती है जितनी बेसिस होती है, तो इसकी डायमेंशन क्या आएगी एन प्लस वन, ओके। अब हमें बात करना है W1 के बारे में जिसमें P अल्फा बराबर क्या है जीरो, अल्फा क्या इसका मतलब क्या हुआ अल्फा इसका रूट हो गया, तो रूट हो गया तो अल्फा की जगह जीरो पुट कर सकती हूँ तो जीरो बिलोंग कर गया, ऐसे ही U प्लस V मान लेती हूँ, ठीक है। तो दो फंक्शन ले लिए मैंने यहाँ पर F अल्फा बराबर जीरो और G अल्फा बराबर जीरो, इसमें P अल्फा Q अल्फा भी ले सकते थे हम, तो ये दोनों जीरो के इक्वल होंगे, ऐसे ही ये भी बिलोंग करेगा, तो ये W1 क्या होगा सबस्पेस होगा। ऐसे हम बात करेंगे पी अल्फा बराबर जीरो है पी एन अल्फा और डब्ल्यू वन एक सबस्पेस है, अगला पी अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है और पी अल्फा को मैंने पुट कर दिया, अब वो किसके इक्वल है जीरो के। अब ए जीरो बराबर क्या आएगा माइनस, इधर जाके माइनस हो गया, तो हमने डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन की डायमेंशन देखनी है, तो हमने देखा यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एक आई है, कितनी आई है रेस्ट्रिक्शन एक, और नंबर ऑफ अननोन कितने हैं एन, नंबर ऑफ अननोन कितने हैं एन, एक मिनट
यहाँ पे हाँ हमने ये लिख दी प्लस में ए वन एक्स, हाँ ए टू एक्स स्क्वायर ए एन एक्स की एन, ए वन का कोफिशियंट देखा एक्स माइनस अल्फा, ए टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, तो यहाँ पे एन है, कितने हैं ये एन कोफिशियंट है, एन कोफिशियंट है तो एन एलिमेंट्स हुए इसमें, इसलिए इसकी डायमेंशन डब्ल्यू वन की क्या आई एन, डब्ल्यू वन की डायमेंशन आएगी एन। ओके नेक्स्ट देखिए हमारा नंबर ऑफ अननोन में से नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शन भी घटा सकते हैं, तो नंबर ऑफ अननोन कितने हैं एन प्लस वन, उसमें से वन घटाऊंगी तो भी क्या आएगा एन। अगला डब्ल्यू टू है पी अल्फा और पी बीटा क्या है बराबर, तो देखो पी अल्फा वाला पॉलिनोमियल ले लिया, पी बीटा वाला पुट कर दिया, अब यहाँ से ए जीरो कट गया, ए वन कॉमन अल्फा माइनस बीटा, ए टू कॉमन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ए वन बराबर ये भाग कर दिया मैंने, तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन ओनली वन है और टोटल वेरिएबल कितने अननोन है यहाँ पे एन प्लस वन, अभी हमने पढ़ा था, तो एन प्लस वन में से वन घटाया तो इसकी भी डायमेंशन क्या आ जाएगी एन। ऐसे ही हम चेक करेंगे डब्ल्यू फाइव के ऊपर, देखिए जिसमें पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है जीरो, ठीक है, तो W5 सबस्पेस है क्योंकि जीरो इसमें बिलोंग कर रहा है। इसी तरीके से हमारे पास अल्फा को अगर मैं नेगेटिव लेती हूँ तो ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आएगा, तो जिसमें भी ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ना वो कभी भी सबस्पेस नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट अपना W7 PX बिलोंग्स टू VF बराबर है PNR जिसमें 1 2 3 से लेकर n माइनस 1 रूट्स है पॉलिनोमियल के। देखिए हमारे पास PX हमने n डिग्री का पॉलिनोमियल ले लिया, तो x बराबर 1 2 से लेकर n माइनस 1 है, तो x बराबर 1 पुट करेंगे, वन पुट किया तो ए जीरो बचेगा, क्या बचेगा ए जीरो, ऐसे ही दो पुट कर दो, ठीक है, एक्स बराबर वन पुट कर दिया पूरे में, हाँ ऐसे ही दो पुट कर दो, ऐसे ही तीन पुट कर दो, क्योंकि सारे पॉलिनोमियल हैं वो सॉरी सारे इसके क्या है रूट्स, पुट कर दिया, तो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू सेवन क्या आएगी, देखो अननोन कितने हमारे पास एन प्लस वन, अननोन कितने हैं एन प्लस वन माइनस, और रेस्ट्रिक्शन कहाँ तक आई है मेरे की वन से लेकर एन माइनस वन तक आई है रेस्ट्रिक्शन, तो एन माइनस वन को घटा दीजिए, तो वन से माइनस माइनस प्लस एन से एन कट गया तो टू आ जाएगा, इसकी डायमेंशन कितनी आ जाएगी टू। ओके नेक्स्ट हमारी बेसिस क्या है यहाँ पर, एन की जगह ये पुट कर दो एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, देखिए बेसिस आ गई दिस वन, ठीक है। ऐसे ही डब्ल्यू फिफ्टीन के ऊपर बात करेंगे, वी एफ पी एक्स का स्क्वायर बराबर है पी एक्स पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए अब हमारे पास अगर जीरो तो इसमें बिलोंग कर ही जाएगा, अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे पी प्लस क्यू एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे पी एक्स प्लस में क्यू एक्स का होल स्क्वायर, तो हमने देखा कि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे इसलिए ये इसका सबस्पेस नहीं होगा, ठीक है, सेकंड वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेस, मान लीजिए वी एफ एक वेक्टर स्पेस है, डब्ल्यू एफ और यू एफ क्या है दो सबस्पेस है, लीनियर सम को हम कैसे लिखते हैं, पहले में पहला एलिमेंट दूसरे में दूसरा एलिमेंट इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं लीनियर सम। आगे मान लीजिए यू एफ एंड डब्ल्यू एफ आर टू सबस्पेस है वेक्टर स्पेस के, यू प्लस डब्ल्यू एफ भी एक सबस्पेस होगा, मतलब इनका सम भी लीनियर सम भी क्या होता है एक सबस्पेस होता है। ओके मान लीजिए एस कोई सबसेट है वेक्टर स्पेस वी एफ का, देन एल एस क्या है सबसे छोटा, एल एस मतलब लीनियर स्पैन सबसे छोटा सबस्पेस होती है जिसमें सारे लीनियर कॉम्बिनेशन का क्या होता है कलेक्शन और फाइनेट नंबर ऑफ एलिमेंट पर लागू होती है। नेक्स्ट हमारा द लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेस यू एंड वी इज ए सबस्पेस होता है जो कि यूनियन यू और डब्ल्यू के यूनियन से जनरेट किया जाता है। अब देखिए हमें डायमेंशन बतानी है लीनियर सम की, तो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू क्या होती है, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू टू माइनस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू। नेक्स्ट डायरेक्ट सम ऑफ सबस्पेस क्या होता है, लेट वी एफ एक वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड एफ के, डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू सबस्पेस है वी एफ के, तो हम देखिए डायरेक्ट सम में हम कैसे लिखेंगे, मान लीजिए वी बिलोंग्स टू वी एक यूनिकली एक्सप्रेस कर दिया, यूनिकली एक्सप्रेस होना चाहिए लीनियर सम में, ठीक है, तो डब्ल्यू वन में दे दिया मान लो हमने एक्स वाई जीरो, देखो तीन है तो तीन टपल हो गए, डब्ल्यू टू में जीरो जीरो जेड दे दिया मान लो, तो एक्स वाई जेड को हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है एक्स वाई जीरो और जीरो जीरो जेड, देखो अगर मैं ऐड करूँगी तो एक्स वाई जेड लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है तो लीनियरली एक्सप्रेस किया गया है, ठीक है। आगे देखिए तो डायरेक्ट सम को कैसे डिनोट किया जाता है, सबसे पहली बात तो वो यूनिकली एक्सप्रेस होना चाहिए लीनियर सम के रूप में, जैसे मान लो ए बी सी बिलोंग करता है आर की क्यूब आर में, डब्ल्यू वन में ए बी जीरो और ए जीरो सी, तो ये भी देखो ए बी सी यूनिकली एक्सप्रेस होना चाहिए, जैसे ए बी सी बराबर मान लो इसको मुझे एक्सप्रेस करना है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ एक आधा कर दिया, देखो बी और जीरो मतलब a बाई टू बी और जीरो, इसमें a बाई टू जीरो सी, एक बार लिख दिया थ्री ए बाई फोर ए बाई फोर, तो ये हमारे पास दो तरीके के रूप में लिखा गया, तो यूनिकली एक्सप्रेस नहीं हुआ इससे ये डायरेक्ट सम नहीं होगा क्योंकि पहले यूनिकली एक्सप्रेस होना चाहिए वो। ओके डिसजॉइंट सबस्पेस क्या होता है, वी एफ एक वेक्टर स्पेस है डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू का, डिसजॉइंट कब होगा जब दोनों के इंटरसेक्शन में ओनली जीरो कॉमन हो। ओके
रिजल्ट फॉर डायरेक्ट सम देखिए, अभी नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर ए वेक्टर स्पेस वी एफ टू बी डायरेक्ट सम कब होगा, एक तो लीनियर सम होना चाहिए, दूसरा इन दोनों के इंटरसेक्शन में जीरो कॉमन होना चाहिए, तो वी को एक्सप्रेस किया जाता है लीनियर सम में, ठीक है, यूनिकली एक्सप्रेस होना चाहिए तब माना जाएगा, और डायमेंशन डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू की डायमेंशन आती है जीरो। नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू हमने क्या पढ़ाया, जीरो होती है। डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू क्या होती है, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन प्लस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू टू माइनस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू। अगर ये डायमेंशन अगर जीरो है तो डायरेक्ट इसका डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन प्लस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू टू का सम हो जाएगा। डायरेक्ट सम में डायमेंशन क्या आती है, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन प्लस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू टू। ओके, नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस। मान लीजिए वी एफ एक वेक्टर स्पेस है, W एक फाइनेटली डायमेंशन वेक्टर सबस्पेस है, W डैश को हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री कब बोलेंगे, अगर V बराबर डायरेक्ट सम के रूप में लिखा जा सके W प्लस डायरेक्ट सम और W डैश। W डैश यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस। तो एवरी सबस्पेस ऑफ फाइनेट डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस वी एफ हैज कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस जरूर होता है उसके अंदर। ओके, और डायमेंशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री की निकालनी हो तो V की डायमेंशन में से W की डायमेंशन को घटा देंगे। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है W1 एंड W2 बी सबस्पेस है आर की क्यूब के, एंड W1 एंड W2 जनरेट क्या है, 10 माइनस 1 2 1 3 एंड दिस वन, तो हमें फाइंड आउट करना है। देखिए भाई, हमें डायमेंशन ऑफ W1 बताना है, डायमेंशन ऑफ W2 बताना है, दोनों के इंटरसेक्शन की और दोनों के सम की। देखिए W को हम क्या लिख सकते हैं, A ऑफ W1 प्लस में B ऑफ W2। तो W1 सबस्पेस है, तो W1 सबस्पेस है तो डायमेंशन उसकी कभी भी VF के इक्वल नहीं होगी, सबसेट एंड इक्वल टू मतलब कम होगी, तो डायमेंशन ऑफ W1 किससे लेस देन होगी, डायमेंशन ऑफ VF से। R की क्यूब है तो इसकी डायमेंशन कितनी है, 3, तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ W1 किससे छोटी होगी भाई, 3 से। तो अब हमारे पास W1 जनरेट किसके द्वारा है, दो एलिमेंट के द्वारा, तो इसकी डायमेंशन क्या हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2, और दोनों के दोनों ले लेनी इंडिपेंडेंट है। ऐसे ही हमने इसको चेक कर लिया। देखिए ऐसे ही W2 भी एक सबस्पेस है, तो इसकी जो डायमेंशन है वो भी VF से क्या होगी, कम। डायमेंशन W2 किससे कम होगी भाई, इसकी डायमेंशन कितनी है, 3, W2 में कितने एलिमेंट है, 4, ठीक है, 4 एलिमेंट है, तो इसकी डायमेंशन W2 की क्या आएगी, 3, 3 के इक्वल, सोल एनी 3 विल बी, अगर हम कोई भी 3 को सोल करेंगे तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। अब हमें निकालना है डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन डायमेंशन ऑफ W2 में। अब देखिए W1 इंटरसेक्शन ऑफ W2 बराबर है W1 इंटरसेक्शन W2 में लिख दिया R की क्यूब R। देखो इसमें क्या कर रखा है, डायमेंशन ऑफ W1 बराबर है डायमेंशन ऑफ W2, दोनों डायमेंशन कब इक्वल होगी, इफ़ एंड ओनली इफ W1 और W2 दोनों क्या होंगे, इक्वल, तब इक्वल होगी। अब देखो इसकी हमें चेक कैसे करनी है, हमें डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन ऑफ डायमेंशन ऑफ W2 बनानी है। अब देखिए डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन ऑफ W2 इन दोनों में बड़ा कौन था, देखिए यहाँ पे W1 W2 था हमारा R की 3, R के इक्वल था, तो दोनों में छोटा जो होगा वो होगा, तो ये W1 और W2 में छोटा कौन है, W1, तो इन दोनों की डायमेंशन किसके इक्वल आएगी, W1 की डायमेंशन के, तो W1 की डायमेंशन कितनी है, 2, तो 2 आ जाएगा इसका आंसर। अब हमें डायमेंशन बतानी है W1 प्लस W2, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशन ऑफ W1 डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। देखो इसकी डायमेंशन 2 आई थी, इसकी 3 आई थी, इसकी 2, 2 से 2 कट गया तो आंसर आ गया 3। नेक्स्ट हमारा इफ W1 एंड W2 सबस्पेस है वी के, डायमेंशन ऑफ W1 है 4, डायमेंशन ऑफ W2 क्या है, 5, तो डायमेंशन ऑफ V बराबर क्या है, 7, तो हमें पॉसिबल वैल्यू बतानी है डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 के लिए। देखिए हम जानते हैं W1 की डायमेंशन किससे छोटी होती है, V से, ऐसे W2 की डायमेंशन लेस देन इक्वल टू क्या होती है, V से, तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होती है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 से। अब देखिए डायमेंशन ऑफ W1 कितनी है, 4, डायमेंशन ऑफ W2 कितनी दे रखी हमें, 5, और ये इधर ले जाके माइनस कर दिया, माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन ऑफ W2 हमें पता है वो किससे बड़ा होगा, डायमेंशन ऑफ W2 से, W2 की डायमेंशन कितनी है, 5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 माइनस, उधर जाके इक्वलिटी का साइन चेंज करेंगे तो लेस देन हो गया। इसी तरीके से डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 किससे छोटा होगी, डायमेंशन ऑफ V से, तो इस तरीके से हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, डायमेंशन ऑफ W1 डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, वो कितनी है, 7, 5 और 4 9, 9 में सत गए 2, इसका मतलब इसकी डायमेंशन 2 और 4 के बीच में लाई करती है, जो कि क्या हो सकती है, पॉसिबल 2, 3 और 4। नेक्स्ट हमारा W1 W2 सबस्पेस है वेक्टर स्पेस R की 4 R के, जो कि इस सेट के द्वारा स्पैन है, फाइंड बेसिस बतानी है W1 प्लस W2 के लिए एंड W1 के लिए। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट हमें आगे पढ़ना है कोसेट ऑफ सबस्पेस W इन वेक्टर स्पेस।
देखिए W एक सब स्पेस है वेक्टर स्पेस मान लीजिए वी एफ का, देन W प्लस एक सब ग्रुप है एबिलियन ग्रुप, देखिए याद रखना W प्लस एक एबिलियन ग्रुप है V प्लस का, और इफ़ U बिलोंग्स टू मी मतलब मैंने इसमें से एक इसका एलिमेंट लिया, तो W प्लस यू एंड U प्लस W आर राइट एंड लेफ्ट कोसेट, याद रखना अगर U लेफ्ट में है, U अगर लेफ्ट में है तो लेफ्ट कोसेट, और U अगर राइट में है तो राइट कोसेट। देखिए यहाँ पे U राइट में है तो ये राइट कोसेट है, यहाँ पे U लेफ्ट में है तो ये लेफ्ट कोसेट है। तो अब हमें क्या बताना है, यहाँ पे दोनों कोसेट्स क्या होते हैं इक्वल एबिलियन की वजह से। तो प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट ऑफ सबस्पेस W इन वेक्टर स्पेस में क्या होती है, देखिए W एक सबस्पेस है V का, देन अल्फा बिलोंग्स टू W, W प्लस अल्फा बराबर होता है W के, W प्लस अल्फा W प्लस बीटा के बराबर होता है, तो अल्फा माइनस बीटा किस में बिलोंग करता है W में। मान लीजिए हमें दे रखा है V बराबर R की 4R एंड W एक सबस्पेस है V ओवर R स्पेंड बाय 1 0 1 0 0 1 0 1, तो W बराबर है स्पेन 1 0 1 0 0 1 0 1, देन विच पेयर हैव सेम एलिमेंट, हमें बताने किस एलिमेंट में सेम पेयर होंगे। देखिए हम क्या करेंगे, हमारे पास दो एलिमेंट दे रखे हैं 1 0 1 0 0 1 0 1, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या रूल है अल्फा माइनस बीटा बिलोंग करना चाहिए डब्लू में, तो हम इसमें अल्फा माइनस बीटा करके देख सकते हैं, तो 1 0 1 0 है माइनस 0 1 0 1 है, ठीक है 1 में से 0 गया 1 0 में से 1 गया माइनस 1 1 में से 0 गया 1 0 में से 1 गया माइनस 1। तो अगर मैं यहाँ पे 1 देखे तो ये 1 1 1 मिला हुआ है, अगर मैं इसमें यूँ देखूँ कि W प्लस अल्फ़ा 1 बराबर है W, W प्लस अल्फ़ा 1 W के बराबर होगा, यहाँ से W प्लस अल्फ़ा 2 भी क्या बराबर है W 2 के, तो हम यहाँ से कह सकते हैं ये स्पेन है। इसी तरीके से मैं अगला दे रखा W प्लस अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा प्लस W रहा, देखो 7 5 7 5 को हम लिख सकते हैं 7 बाहर 1 0 1 0 एक स्पेन दे रखा है हमें, 5 अगला दे रखा है 0 1 0 1 मल्टीप्लाई कीजिए 7 1 जा 7 0 7 1 जा 7 0, 5 को 0 से गुणा किया 0, 5 1 जा 5 0 5 1 जा 5, अब इनको ऐड कीजिए 7 में 0 गया ऐड किया 7, 0 में 5 जोड़ा 5, 7 में 0 जोड़ा 7, 0 में 5 जोड़ा 5, तो ट्रू है ये हमारा। इसी तरीके से मैं अगले दो दे रखे इनको सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 6 कॉमन लेने के बाद क्या आगे 1 2 1 2, तो ये किस में बिलोंग कर जाएगा भाई W के अंदर, तो ये स्पेन है, ठीक है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट को चेक करेंगे, नेगेटिव आ गया, सारे क्या आने थे पॉजिटिव, तो ये स्पेन नहीं होगा। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, देखिए क्वेश्चन ग्रुप में सबसे पहले कोसेट होना चाहिए, मान लीजिए W एक सबस्पेस है, देखिए क्वेश्चन ग्रुप में हम यहाँ से याद रखते हैं, मान लीजिए W एक सबस्पेस है वेक्टर स्पेस V ओवर F एंड U और U डैश मैंने दो वेक्टर ले लिए V के, देन W प्लस U बराबर है W प्लस U डैश इफ एंड ओनली इफ कब होगा, जब U माइनस U डैश किस में बिलोंग कर जाए W के अंदर, ठीक है उनका सब्ट्रैक्शन किस में बिलोंग कर जाए भाई W के अंदर। नेक्स्ट V बाई U इज ए वेक्टर स्पेस, इसको हम क्या बोलते हैं क्वेश्चन वेक्टर स्पेस, वो कब होगा जब वो कोसेट्स के रूप में लिखा जा सके, जैसे W प्लस U W प्लस V तो वो बराबर होता है W प्लस U प्लस V, ऐसे ही A ऑफ W प्लस U बराबर होता है W प्लस में AU, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डायमेंशन ऑफ क्वेश्चन स्पेस, डायमेंशन ऑफ क्वेश्चन स्पेस क्या होता है, डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W, W सबस्पेस किसका है यहाँ पे वेक्टर स्पेस VF का। नेक्स्ट हमारा है इफ़ W सबस्पेस है V बराबर है R स्क्वायर बाय R जनरेटेड बाय 1 2, फाइंड डायमेंशन ऑफ V बाई W एंड इस बेसिस, देखिए V बराबर है R स्क्वायर आ रहा है, तो डायमेंशन ऑफ V कितनी हो गई भाई 2 हो गई। अब हमारे पास जो V W है वो स्पैन किसके द्वारा है 1 2, तो सबसे चेक पहले चेक करना है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो A इंटू 1 2 बराबर है 0, A और 2A बराबर 0 बराबर, तो A की वैल्यू क्या आ गई 0, A की वैल्यू 0 आ गई तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इसमें कितनी बेसिस है यहाँ पे ओनली 1, तो डायमेंशन ऑफ W 1 क्या आ गई 1, और डायमेंशन ऑफ V बाई W क्या होता है डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W, तो दो में से एक गया एक आंसर हो जाएगा। अब मैं इसको एक्सटेंड भी कर सकती हूँ 1 2 और 1 0, ये स्टैंडर्ड बेसिस आ गई, ठीक है। ऐसे ही अब हमें क्या बताना था इसके अंदर इसकी बेसिस बतानी थी, तो इसकी बेसिस हम बता चुके हैं क्या आएगी W प्लस 1 0, याद रखना इसकी बेसिस क्या आएगी W प्लस 1 0 स्टैंडर्ड बेसिस, जो एक स्टैंडर्ड बेसिस होती है तो 1 0 लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा अगर W B सबस्पेस है V3 और जनरेटेड बाय 1 0 0 1 1 0, फाइन V बाई W एंड इस बेसिस, इस तरीके सेम इस तरीके से हम इसको भी निकाल पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।